हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बनाएंगे आलू बैंगन की सब्जी। बहुत ही इजी रेसिपी है ये, जिसके लिए मैंने गैस ऑन किया, चढ़ाया कढ़ाई, उस पर डाला मैंने सरसों का तेल। अब मैं हींग और मेथी से मैंने दिया है तड़का। इसके बाद मैंने प्याज लहसुन और मिर्चा को चॉप कर लिया था, हरी मिर्च वो भी मैंने डाल दिया है। अब इसको हल्का सा ब्राउन होने तक भूनेंगे। जब इसका कलर चेंज होने लगे तो फिर मैंने आलू और बैंगन को कट करके पानी में धुल के रखा था। अब इसको मैं सीधे डाल दूँगी, आलू बैंगन को डाल दूँगी इसमें, और उसके बाद उसको कुछ देर के लिए ढक के पकने देंगे हम, तो एकदम धीमी आँच कर देंगे। अब आलू बैंगन को मैंने डाला है, जैसे कि आप प्रोसेस देख सकते हैं। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, इसको बनाने के लिए आपको बहुत ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। आप आराम से अपने काम, सुबह इतना काम रहता तो अपने काम को करते करते इस सब्ज़ी को बहुत आसानी से बना सकते हैं। और सब लोग की अलग अलग रेसिपी होती है, तो मेरी, मैंने सोचा कि आज अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। अब हम इसे कुछ देर फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे हल्दी, एक छोटा चम्मच हल्दी डाला मैंने, फिर एक छोटा चम्मच सब्जी मसाला डाला, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाला, और फिर डाला हमने नमक, स्वाद अनुसार आप अपने डाल सकते हैं। फिर थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाली मैंने, ये कश्मीरी लाल मिर्च है जो कि कलर के लिए होती है सिर्फ, क्योंकि बहुत तीखा मेरे यहाँ सब नहीं खाते हैं। जैसा आप क्या जैसा खाते हैं आप उस अकॉर्डिंग बनाइएगा। उसके बाद मैंने इसे थोड़ा सा चलाया और मैंने इसे ढक के रख दिया है। ये वीडियो को मैंने स्किप करके थोड़ा बनाया है कि थोड़ी देर पकते पकते आप देख सकते हैं कि कैसे इसका कलर चेंज होता है पकने के बाद। अब मैंने इसे ढक के रख दिया, फिर इसमें मैंने थोड़ा सा इसको चलाया तो थोड़ा सा पानी डाल दिया, जिससे ये अच्छे से पक रहा था। फिर मैंने इसमें डाला टमाटर छोटे छोटे कट करके, और फिर थोड़ा सा पानी डाला और उसको ढक दिया पकने के लिए। अब आप देख सकते हैं हमारी सब्जी हो रही है तैयार। सब्जी का हमारे कलर भी चेंज हो चुका है, सब्जी हमारी पक चुकी है। अब इसमें मैंने डाला अमचूर पाउडर, गैस बंद किया, और फिर डाला इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, और हमारी बैंगन की सब्जी तैयार है। तो आप लोग अपनी भी रेसिपी बताइएगा कि आपने कैसे बनाया, और मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।